हेलो फ्रेंड्स, एनटीसी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्चना कौशल। आप देख रहे हैं एनटीसी न्यूज। एनटीसी न्यूज हर बार आपके लिए लेकर आता है स्पेशल चटपटी और खास स्टोरीज। तो दोस्तों, देखते हैं आज एनटीसी न्यूज में आपके लिए क्या है खास। आज आधुनिक सुख सुविधाओं के आकर्षण के चलते सभी इन्हें प्राप्त करने के लिए लोग कई तरह के जतन कर रहे हैं। ये सभी सुविधाएं जुटाने के लिए काफी धन की आवश्यकता होती है। आय सामान्य रहने पर भी व्यक्ति कर्ज लेकर इन सुविधाओं को प्राप्त करता है, परंतु कई लोग इस लोन को चुका नहीं पाते और अधिक उलझ जाते हैं। कर्ज एक ऐसा दलदल है जिसमें एक बार फंसने पर व्यक्ति उसमें धंसता ही चला जाता है। ज्योतिष शास्त्र में षष्ठम, अष्टम, द्वादश स्थान एवं मंगलवार ग्रह को कर्ज का कारक ग्रह माना जाता है। मंगलवार के कमजोर होने पर या पापग्रह से संबंधित होने पर अष्टम, द्वादश, षष्ठम स्थान पर नीचे स्थिति में होने पर व्यक्ति सदैव ऋणी बना रहता है। ऐसे में यदि उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़े तो कर्ज तो होता है, पर वह बड़ी मुश्किल से उतर जाता है। शास्त्रों में मंगलवार और बुधवार को कर्ज के लेन देन के लिए निश्चय किया है। मंगलवार को कर्ज लेने वाला जीवन भर कर्ज नहीं चुका पाता तथा उस व्यक्ति की संतान भी इस वजह परेशानियां उठाती हैं। कर्ज निवारण से मुक्ति के लिए उपाय। शनिवार को ऋण मुक्तेश्वर महादेव का पूजन करें। मंगलवार की भात पूजा, दान, होम और जप करें। मंगलवार एवं बुधवार को कर्ज का लेन देन न करें। लाल सफेद वस्त्रों का अधिकतम प्रयोग करें। श्री गणेश को प्रतिदिन दूर्वा और मोदक का भोग लगाएं। श्री गणेश का अथर्वशीर्ष का पाठ प्रति बुधवार करें। शिवलिंग पर प्रतिदिन कच्चा दूध चढ़ाएं।